Hi guys, welcome to Film Reading. मेरा नाम है अमोल. This is आकाश. And this is शुभम. और आज की जो फिल्म है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक डॉक्टर की मौत, जो कि आई थी 1991 में. इट इज़ डायरेक्टेड बाय तपन सिन्हा, स्टारिंग पंकज कपूर एंड शबाना आजमी. तो ये जो फिल्म है ये एक डॉक्टर के ऊपर है, जो कि जिसका इंटरेस्ट जो है वो क्लिनिकल और उस डॉक्टर जो हम डॉक्टर मानते हैं उस डॉक्टरी में नहीं है. वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट है और वो डॉक्टर का काम सिर्फ अपनी जॉब के लिए करता है, जो कि कोलकाता में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे. और उसकी रिसर्च का जो टॉपिक है वो है लेप्रोसी. और जब हम उसकी लाइफ में घुसते हैं, जैसे जो फर्स्ट जो 20 या 15 मिनट्स है फिल्म के, उसमें हमको ये बताया जाता है कि उसकी लाइफ जो है वो पिछले दस सालों से ऐसी ही है. उसकी वाइफ जो है उससे बिल्कुल उसको ऑलमोस्ट हेट करती है, पर क्योंकि वो उसे प्यार करती है तो उसको छोड़ के नहीं जा सकती. और वो रिसर्च करता जा रहा है पिछले 10 सालों से उसके हाथ में, लेकिन कुछ आया नहीं है. और उसके बाद उसकी फिर एक दिन अपनी लैब में वो लेप्रोसी का जो वैक्सीन है जो कि वो कितने साल से ट्राई कर रहा था वो बना लेता है. और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये फिल्म बेसिकली उसके ऊपर है. तो शुभम, कैसी लगी तेरे को फिल्म? मेरे को तो अच्छी लगी काफ़ी. मतलब इस फिल्म में ऐसा कुछ वो पर्टिकुलर है नहीं, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हाँ भाई यहाँ सस्पेंस है या फिर यहाँ पे कुछ होने वाला है बारी चीज. मतलब सिंपल स्ट्रेट कहानी है, ठीक है, और आप बस इंजॉय कर रहे हो उसको. आप देख रहे हो किस तरीके से वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, आप देख रहे हो किस तरीके से सोसाइटी जो है वो मतलब हर्डल क्रिएट कर रही है उसके लिए. हाँ एग्जैक्टली. तो यहाँ पर सोसाइटी का स्टार्टिंग के 10-15 मिनट जो इंटरफेरेंस की बात करते हैं ना, वो इंटरफेरेंस सोसाइटी का इंटरफेरेंस अपने को दिखता ही नहीं स्टार्टिंग के 15 मिनट. ठीक है, स्टार्टिंग में सारे इंटरफेरेंसेस एकदम मतलब लॉजिकली क्रिएटेड है. वहाँ पे आप देखेंगे कि हर इंटरफेरेंस दिखाया जा रहा है, पर पहले खुद का, फिर उसके बाद सोसाइटी का, फिर सोसाइटी और उसका खुद का कॉन्फ्लिक्ट, और फिर आप आगे देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से वो अनफोल्ड करता है, सोचता है कि क्या करना चाहिए. स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है. आप देखेंगे ओपनिंग सीन बहुत ही ज़्यादा काफी अच्छे से दिखा गया है. आप स्टार्टिंग देखेंगे बहुत ही प्यारा म्यूजिक चल रहा है और ऐसा लग रहा है कुछ उम्मीद है, कुछ होने वाला है. ठीक है, आप देख रहे हो ट्यून जो है वो बैकग्राउंड में विक्टोरियस रहती है. और जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, मतलब यार उसको कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी बात होती है, तो ये ट्यून उस चीज़ का सिंबल बन के आती है. आपको लगता है कि अच्छा ये ट्यून बजी है, मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड आपके सबकॉन्शियस में क्रिएटेड है कि ये ट्यून बजी है, अब कुछ होने वाला है. ठीक है अब कुछ होने वाला है. स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब सा डॉक्टर किसी माइस के ऊपर, ब्राउन माइस के ऊपर रिसर्च कर रहा है. ठीक है, अब वो ब्राउन माइस को भी बहुत आराम से बोलता है. मतलब इनिशियली अपन सोच रहे हैं कि वो काफी केयरिंग आदमी है. ठीक है, आपके दिमाग में आता है कि हाँ, अब वो बोलता है बस हो गया, अब तुमको नींद आ जाएगी, अब तुम्हें कुछ झेलना नहीं है. पर जैसे जैसे अनफोल्ड होता है वो देखता है वो सेल्फिश, आपको लगता है कि वो अपनी ही दुनिया में चल रहा है. क्योंकि शुरुआत के जितने भी, मतलब शुरुआत का आधा घंटा मेरे ख्याल से सिर्फ उसी घर में ही है. और जैसे क्रेडिट्स रोल होते हैं, ठीक है, ओपनिंग क्रेडिट्स के जस्ट बाद उसको दिखाते हैं कि वो रिसर्च कर रहा है और कैमरा जो है पैन होता है और उसकी बीवी को दिखाते हैं जो कि सो रही है. ठीक है, और उसकी बीवी सो रही है और वो उठती है और वो पूछती है कि क्या टाइम हो रहा है, तुमको पता है क्या टाइम हो रहा है? तो बोलता है हाँ. तो बोलती है क्या टाइम हो रहा है? तो बोलता है कि अभी 10-11 बज रहे होंगे. तो बोलती है रात के 2 बज रहे हैं, है ना. और मतलब उसी टाइम से मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, हाँ, शुरुआत से मतलब रहता है. नहीं, ये चीज एक और चीज भी तो है ना यहाँ पे कि मतलब जैसे वो जब बोलता है कि टाइम 10-11 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो टाइम है वो 2 बज रही है. ठीक है, तो मतलब इससे ये चीज भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो ना कि जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो मतलब अपनी दुनिया में है. ठीक है, उसे रियलिटी का पता नहीं, उसे एनवायरमेंट का पता नहीं. यहाँ पर डायरेक्शन का भी एक बहुत ही ज्यादा, मतलब देखा जाए ना तो काफी अच्छी चीज. आपको स्टार्टिंग में टर्न है तो आपको लगता है हाँ 2 बज रही है, व्यूअर जानता है, बीवी जानती है, पर कैरेक्टर को कितना सेपरेट किया गया है दोनों ही जगह से. मतलब जो यहाँ पे व्यूअर का जो दिमाग में चल रहा है ना चीज़ कि हाँ भाई क्या हो रहा होगा, ठीक है, वो उसको भी पता है कि क्या है. जो व्यूअर है और जो बाकी एनवायरमेंट है आसपास का, उसको साथ रखा गया है, पर उस कैरेक्टर को, जो मेन कैरेक्टर अपना, उसको अलग ही रख दिया गया कि हाँ ये इस एरेना में नहीं है भाई, आप सोच लो ये कुछ और सोच रहा है हमेशा. ठीक है, अब आगे स्टोरी और अनफोल्ड होती है. अपन देखते हैं कि वो वहाँ बैठा है और कुछ सोच रहा है, और साइड में एक बंदा खड़ा भी है बस के अंदर. ये सीन की शुरुआत जब होती है तो यहाँ पे एक और चीज है, मतलब जैसे कि जो तपन सिन्हा जो डायरेक्टर है हमारे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कैरेक्टर का बिहेवियर है ना वो काफी अच्छे से कैमरे के साथ कैप्चर किया है. ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे कैरेक्टर बिहेव करता है वैसे वैसे कैमरा भी बिहेव करता है.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसने पेन और जूम का काफी यूज किया पूरी फिल्म में, ठीक है ना। और क्या है कि जब जो ये जो सीन है जो ट्राम में बैठा हुआ होता है वो, ठीक है, तो वो सीन के ओपनिंग में देख लो कि उसकी जो उंगलियां है ना वो मतलब ऐसे चल रही है, ठीक है, और वो क्लोजअप में, ठीक है, है ना। और फिर अपन जब क्लोजअप से बाहर निकलते तो बंदा खड़ा है ना, और वो सीन कम से कम 5 सेकंड तक 6 सेकंड तक चलता है कि बंदा खड़ा और आसपास बहुत सारे जने हैं और वो अपनी दुनिया में खोया हुआ, और जब तक जब फिर वो बंदा उसे बोलता है कि तुम उधर किसको, तब वो जाके उधर खींच सकते, बाकी उसको खबर नहीं कि क्या हो रहा है आज। और वो मतलब ही डजंट केयर, क्योंकि क्या है कि लोग उसके लिए कुछ है नहीं, ठीक है, और अपने को भी बात पता है, ठीक है। जैसे उसके जस्ट बाद हॉस्पिटल का सीन आता है, तो हॉस्पिटल के सीन में क्या होता है कि एक नया पेशेंट आया होता है, तो नर्स बोलती है नया पेशेंट आया है, इसको कर दो सही, और उसको पूछता है कि क्या क्या हुआ तुमको, और फिर पता चलता है कि हाँ उसको लेप्रोसी हुई, और तब अपने को पता चलता है कि क्या चीज़ है एक्चुअली, है ना, कि क्या चीज़ हो रही है, मतलब किस चीज़ के खिलाफ वो लड़ रहा है ना। वो उस टाइम पर हिट करता है कि हाँ भाई लेप्रोसी के खिलाफ वो लड़ रहा है। यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना अपन, उसको किसी के बारे में कोई परवाह नहीं है, पर वहीं अपने काम के प्रति वो काफ़ी संलग्न है। आप अगर देखेंगे कि भाई कैसे काम कर रहा है वो, तो आप ये देखेंगे कि इनिशियली क्या बोलता है कि जो बंदा बैठा है तो बोलता है तुम कैसे हो, जस्ट इसके जस्ट पिछला सीन जो है तो बोलता है तुम कैसे हो और भाई क्या हाल है, ठीक है, बाकी किसी को ध्यान नहीं दे रहा, मतलब अपने काम के प्रति तो काफ़ी ठीक ठाक है, उसको पता है कि उसका काम क्या है। और लेप्रोसी की जो फिजिकल एविडेंसेस है वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो बोलता है कि जी घबरा रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब जो इमोशनल डिटैचमेंट उसी चीज के साथ वो वहां नहीं देख रहा है। जो उसको जब उसको बोलते तो चल के दिखा, तो ठीक है, तो वो फिजिकली उसको पता है कि किस तरीके से उसका इमोशनल अटैचमेंट उस पे भी नहीं, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, मतलब हाँ, हाँ, वो उसको ह्यूमन टच से अलग अलग रखा है, हाँ, है ना, बिल्कुल। और उसके जस्ट बाद एक सीन आता है जिसमें जो शुरुआत के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो चीजें बताई गई है कि जो उसके घर में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी बीवी के साथ और जो भी है, तो उसकी बीवी लेटर लिखती है उसको, ठीक है, उसकी बीवी लेटर लिखती है और वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ ऐसा करके, ठीक है, जो कि बाद में कहीं नहीं बताया गया क्योंकि वो लेटर लिख रही है और वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन वो कभी भी एड्रेस नहीं किया गया फिल्म में कभी वो लेटर, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से गलती है, है ना, गलती है, बिल्कुल गलती है, और मतलब मुझे नहीं लगता है अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपने मतलब आपने लिखा है, मतलब लिखते हुए दिखाया और फ्लैशबैक भी दिखाया है, नहीं, पर यहाँ पर जो फ्लैशबैक है वही उस चीज़ का सोल्यूशन आ जाता है ना। अगर इस तरीके से देखें तो फ्लैशबैक क्यों है, जब भी कोई उसके कैरेक्टर को एनालाइज कर रहा है ना, तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए फ्लैशबैक है, हमेशा अपोजिट है, मतलब आप सोच रहे हो कि वो नकारा है, फ्लैशबैक आ जाएगा कि उसने काम किया है, आप कह रहे हो कि उसमें इमोशनल टच नहीं है, और अगले सीन में फ्लैशबैक आके ये बोलता है कि नहीं आए, मतलब मेरे को पता है कि तुमने कुछ किया, तुमने बहुत कुछ मेरे लिए किया, अगर तुम जेवर नहीं बेचते तो शायद कुछ होता नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस है, कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस है हमेशा, ठीक है। अब जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो चीज़ वही खत्म कर देती है कि हाँ, और पर उस चीज़ को आगे बोलती भी है कि वो छोड़ के नहीं, मतलब छोड़ के नहीं, कंटिन्यू करती है, हाँ, कि दो कारण बता देती है कि हाँ मैं क्यों नहीं छोड़ के जा रही तुम्हारे को, ठीक है, क्योंकि वो केयरिंग है उस रेस्पेक्ट में, ठीक है। और कहीं ना कहीं पंकज कपूर को भी लगता है कि हाँ, मतलब उसको एक्नॉलेज करता है इन बातों को। उसके बाद इरफान खान की एंट्री होती है, अपने को लगता है कि भाई ज़्यादा करेगा ये कुछ, लेकिन होता नहीं है, साइंस जर्नलिस्ट होता है और मतलब एक्चुअली उसने पीएचडी भी करी होती है, लेकिन मतलब वो साइंस के प्रति मतलब ज़्यादा अवेयर नहीं होती है, या फिर ज़्यादा उसको पैशन नहीं होता है। नहीं, पैशन तो होता है, लेकिन वो लगता है कि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं कि ये मतलब साइंटिफिक अप्रोच लगा सकता है मेडिकल में कहीं। बिल्कुल, तो पीएचडी करता है, और जिसके खिलाफ पंकज कपूर होता है शुरुआत से, मतलब मैं सिर्फ MBBS किया हूँ तो भी मैं तो साला रिसर्च कर रहा हूँ, साइंटिस्ट हूँ, और तुमने PhD किया तो भी तुम तो क्या, मतलब पता नहीं क्या पत्रकार बन के घूम रहे हो। एग्जैक्टली सेम चीज़, मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, ये काफ़ी तरीके से हाईलाइट किया गया, बार बार बोला गया कि हायर डिग्रीज का मतलब आपने ज़्यादा दिमाग है, आपको उस चीज़ को परस्यू करना चाहिए, हो सकता है अगर आप हायर डिग्रीज लेके बैठे हो ना तो आप समझ जाओगे चीज़ों को, ठीक है। पर ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट करती है, हर एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। यहाँ पर इरफान खान बोल देता है कि भाई नहीं, मुझे नहीं लगता मैं शायद इस तरीके से मैं साइंस को लव करता हूँ, वो फिर भी इस बात को मतलब एडमिट करता है कि मैं साइंस को तो लव करता हूँ पर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आया, ठीक है। और उसके जस्ट बाद वो जाता है और पंकज कपूर घर जाके पहले ही चीज ये पूछता है कि कलकत्ता से वो बुक जो उसने ऑर्डर की वो आई क्या, ठीक है। फिल्म में तो ये सीन है ना, ठीक है, मतलब ये जब वो डोर पे नॉक करता है, वो किचन में होती है, पूरी बना रही होती है, ठीक है,
ये मतलब ये मेरा बेस्ट सीन, मतलब फेवरेट सीन है मेरा पूरी फिल्म में। ये सीन कम से कम 3 मिनट का है, 3 से 4 मिनट का, ठीक है। और सीन को जिस तरीके से कैरी किया गया ना, बहुत बहुत सही तरीके से, मतलब क्या है कि मेरे को याद है पूरा कि जब शबाना आजमी निकलती है किचन से, मतलब एकदम हरीडली आती है और गेट खोलती है और वो बोलता है कि बैक्टेरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से कोई बुक आई या नहीं आई, ठीक है, नहीं है। और वो अंदर आता है, तो कैमरा क्या है कि अब शबाना आजमी की तरफ ही है, वो अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर वापस कैमरा शबाना आजमी के साथ में उसके साथ आता है, पंकज कपूर के साथ में, फिर वो दोनों साथ में होते फ्रेम में वापस, है ना। फिर क्या है कि फिर शबाना आजमी किचन चल जाती है और पंकज कपूर वहां पे वैसिन में हाथ धो रहा होता है, ठीक है। वहां पे वापस वो फ्रेम में अकेला है, ठीक है, ये एक ही शॉट चल रहा है, ठीक है, है ना। और फिर वहां पे कट होता है, फिर उसको क्लोजअप में दिखाते हैं हाथ धोता है, ठीक है ना। और फिर वापस मतलब वो वहां पे आके बैठता है चेयर पे, वो कुड़ी लेके आती है, वो आके बैठती है, ठीक है। मतलब ये जो सीन है ना, ये जो सीन है, ये बड़ा बहुत है, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। इस जो फर्स्ट पार्ट है ना सीन का, उसके फर्स्ट फ्रेम में शबाना आजमी अकेली होती है और लास्ट फ्रेम में शबाना आजमी अकेली होती है, ठीक है। मैं इस तरीके से देखता हूँ इसको, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा केओटिक है, ठीक है, मतलब उसमें केओस है काफी, ठीक है, कि मतलब वो अंदर चला जाता है, वो देखता है कि सारे पेपर्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, वापस लड़ने लग जाता है, वही चीज हो जाती है जो अभी चीज होती है, बीच में होप दिखती है, हाँ, बीच में थोड़ा मतलब यू नो सटल हो जाता है सब कुछ, लेकिन फिर लास्ट में वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब ये क्या है कि फिल्म में मतलब वो चाय भी पी रही होती है, हाँ, इन दोनों के बीच में जो सीन्स लिखे गए हैं ना, वो मतलब इस तरीके से लिखे गए कि मतलब फर्स्ट में ये होगा, बीच में ये होगा और लास्ट में ये होगा, तो चाय भी पी रही होती है, हाँ, और चाय भी इस सीन में जो शैटर करने वाला काम है ना, जो तोड़ने वाला आपका फ्लो, वो तोड़ने वाला पहले ही काम हो जाता है जब वो बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं खाना है, ठीक है, वो सीधा जा रहा होता है, उसको इंटरप्ट किया जाता है कि क्या तुम्हें नहीं खाना खाना, मतलब उसको अपने बारे में भी वही बता रही है कि भाई क्या आपकी नीड है, क्या उसको अपना तक, उसको खुद का तक ख्याल नहीं है, तो डायरेक्टर ने क्या है कि जो वही मतलब बार बार इस चीज को उसने रिटेरेट किया, बार बार, हाँ, इन दोनों कैरेक्टर के बीच का जो प्यार है ना, ठीक है, वो बड़े अच्छे से दिखाया है ना। और जो बंदा है ना, जो मेन कैरेक्टर है अपना, ठीक है, उसको लगता है कि वो अकेला स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी वाइफ भी स्ट्रगल कर रही है उसके साथ में, ठीक है, जितना कॉन्ट्रीब्यूट वो कर रहा है उतना उसकी वाइफ भी कर रही है, ठीक है। और ये काफी अच्छे से बताया गया जब भी उन दोनों के सीन साथ में आते हैं, ठीक है, ये चीज मैं देखता हूँ और ये मेरा बेस्ट सीन है, मुझे ऐसा लगता है। पर फिर ये कंसीडर सिर्फ एक ही बंदी है, मतलब शबाना आजमी ही कंसीडर कर रही है कि मैं और वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, पंकज कपूर को इससे कुछ लेना देना नहीं है, हाँ, पंकज कपूर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक सीन आता है इसके जस्ट बाद आता है जो सीन, उसमें एक तो वो मेरा फेवरेट सीन है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट है, एक दो तीन है मेरे तो। एक तो उसमें गैस स्टोव लेके जाता है वो, ठीक है, उसकी गैस खत्म हो जाती है तो बर्नर पे, तो मतलब ये सबसे शानदार सीन था मेरे लिए, क्योंकि लेके जाता है और करने लग जाता है, इट हैज टू वर्क, और रात में जब वो आता है कि भूख लगी है तो केला और 2 स्लाइस, ठीक है, बस यही होता है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो क्या है कि अपने वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है, अपने काम को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, ठीक है, बाकी सब जो कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है, ठीक है, बाकी सब लोग कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे कि जैसे वो क्या उसके बदल उसके मतलब ये बहुत सटल है और बहुत डिटेल्ड है बहुत, लेकिन काफी अच्छा है। और उसकी शर्ट में बटन लगा रही होती है, ठीक है, तो बोलता है कि तुम सोई नहीं अभी तक, तो बोलती है कि मैं तो तुम मतलब मैं तुम्हारी काम कर रही हूँ, हाँ, मैं काम कर रही हूँ, तो बोलता है कि लेकिन कुछ काम करो तो रात बर्बाद करने का मतलब भी है, मतलब रात खत्म करने का मतलब भी है, तो बोलते तुम्हारी शर्ट में टाका लगा रही हूँ, तो अपने ये बोलते हैं, मतलब इसमें बात यह है कि रात भर जागने से क्या मतलब है, कुछ काम करो तो कोई मतलब है, ठीक है, मतलब ये चीज उसका है कि मतलब कि इतनी इतनी छोटी चीज को वो ध्यान नहीं देता, निकाल देता कि हाँ ये मतलब ये क्या है यार, जैसे जैसे अपने पहले इरफान खान के साथ देखा, ठीक है, कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ ना, हाँ, वो ही सही, अरे मतलब ये वैसी है जैसे मैं इसको आर्ट फिल्म की मतलब मैं इसको आर्टिस्ट की तरह भी देखता हूँ, बिल्कुल, ठीक है, कि आर्टिस्ट भी ऐसे होते हैं जो मतलब जो भी अपन ने जैसे देखा है जितनी भी फिल्में देखी जिसमें जो आर्ट जो मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी प्रिसाइसली दिखाया गया है कि मतलब अपने काम को बहुत ज़्यादा वो देता हुआ और बाकी जो काम है ये सब फर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि वो एक वर्ड अपन यूज कर सकते हैं, इनडोमिटेबल इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, की फिल्मों में क्या होता है कि इंडिविजुअलिज्म जो होता है ना वो
वो उसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं बजाय कलेक्टिविज्म के. उनको ऐसा लगता है कि अगर लोग कलेक्टिवली काम करेंगे तो क्या है कि जो इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो जो आप जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो आप अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसा मतलब क्या है कि ऐसा इस फिल्म में किया गया है. ठीक है, मतलब ये थ्योरी जो है वो मतलब नेगलेक्ट की है और इंडिविजुअलिज्म को काफी बढ़ावा दिया है और आइडियलिज्म को काफी बढ़ावा दिया है. ठीक है, ऐसा है. इंडिविजुअलिज्म के साथ साथ कर्मा की जो बात है ना, उस पर भी काफी इसने फोकस किया है. मतलब कहीं कहीं हम देखते हैं कि जब भी उसको बोलते हैं ना कि आपको तो निक था, स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में कुछ अलग चलता रहता था या आप गिफ्टेड हो, इस तरीके से जब भी कोई बोलता है ना तो उस चीज को नकार देता है और बोलता है क्या है. अमोल्य पहले बोलता है, मतलब इरफान खान पहले बोलते हैं कि भाई आप में कुछ है, आप में इनबिल्ट जीन्स है, क्रोमोसोम्स है इस चीज के लिए, जब पहली मुलाकात है उसमें ही. ठीक है, तो हमको ये बताया जाता है कि शायद गिफ्टेड है, पर वो उस चीज को वही नकार देते हैं कि भाई नहीं. बिल्कुल, क्या क्या मतलब तुम्हारे कहने का, क्या मतलब ये सब ऐसा ही है. मतलब सिर्फ जो बंदा काम करेगा, एक्सपेरिमेंटिंग तभी कुछ पता पड़ेगा. ठीक है, ये काफी सटल बात, मतलब बहुत सही बात है कि भाई आप काम करो, उसके मेंटर भी बोलते हैं ना, उसके क्या नाम होता है, कुंडू. ठीक है, अब इसके जज्बात क्या होता है, इसके जज्बात बहुत बहुत अल्टीमेटली होती है. शबाना आजमी आती है, ठीक है, जो सीमा जो होती है, सीमा आती है उसके बाद, मतलब वो अब ले चुकी है, हो गया उसका. ठीक है, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, तो वो आती है और वो बोलती है कि तुम कि मैंने बच्चे को इसलिए आते इस घर में जन्म नहीं दिया क्योंकि उसको अपनी माँ के साथ एक माँ का भी वो होता है. ठीक है, क्योंकि उसको माँ अकेले नहीं पा सकती, उसको बाप की भी जरूरत होती है. बिल्कुल, ठीक है, जरूरत होती है. और म्यूजिक बस है, ठीक है, साउंड इफेक्ट है, वो म्यूजिक भी नहीं है. ठीक है, जूम करके, जो कि मतलब आप एज अ व्यूअर अपने को हिला देता है, अरे यार ये क्या बोलते हैं इसमें, मतलब ये हाइट है, मतलब थोड़ा डार्क. ठीक है, बिल्कुल. ठीक है, उसके बाद फोकस में पंकज कपूर रहता है और कि वो अनमूव्ड है. ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ. ठीक है, नहीं होता है, वो होता है फॉर अ मिलीसेकंड, वो होता है एक या दो सेकंड के लिए, वो एक बार कंफ्यूज होता है कि इधर से इधर जैसे कैमरा चेंज, जैसे वो शॉट चेंज होता है ना, वो शॉट वही, मतलब पहले इधर से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड से लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब शबाना सिंह बोल के चली जाती है और कैमरा वही होता है, फिर उसके बाद शॉट चेंज हो जाता है, इधर से लेता है और मतलब पीछे 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 जाता है. फर्क पड़ेगा लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता और वो काम करता रहता है, काम करता. ठीक है, इसके अगले ही सेकंड में वो बता देता है कि मतलब मैंने लेप्रोसी का कर दिया है और इसके अंदर ये भी चीज़ है कि शायद इससे इनफर्टिलिटी औरतों की खत्म हो सकती है. तो मतलब ये चीज़ दोनों जुड़ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया और इनफर्टिलिटी की बात, स्टेरिलिटी की बात. ये हाँ, कनेक्शन तो है कुछ, कनेक्शन बोल सकते हैं कनेक्शन. हाँ, मतलब बच्चे की जहाँ तक बात कह रहे हैं ना अपन, स्टार्टिंग में उसके जो उसके उसका जो दोस्त है उसकी बेटी का भी जिक्र होता है, तो वो बोलता है हमारी बिटिया क्या कह रही थी. उसके पहले अपने माइस को भी बच्चों की तरह ट्रीट करता है. ठीक है, तो जो बच्चा है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो सिम्बॉलिक है किसी जगह पे, कि मतलब बच्चा जो है उसने अपनी इन्वेंशन को ही बच्चा मान लिया है. ठीक है, मतलब उसने खुद ने शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, हालांकि वो बोलता है कि उसे इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर वो एक बार देखता है, उसके लिए वही वो बच्चा है. ठीक है, मतलब उसको अपने को लगता है कि ह्यूमन नेचर से उसको फर्क पड़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा. ठीक है, और बीच में दिखता भी है, पर शायद वो वहां पर ये सोच लेता है कि यही काम ही मेरा बच्चा है. ठीक है, और वापस अपने काम पे लग जाता है. ठीक है, ब्राउन माइस को भी बच्चा, मतलब उसने अपने काम को अपना बच्चा मान लिया है काफी. मतलब क्या है कि शबाना आजमी ने कहा ना लास्ट के कुछ सीन्स में कि तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा अगर मैं भी तुम्हारे साथ चल चलूंगी. तो मतलब मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे इन दो कैरेक्टर्स के अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स है ना, वो मतलब सोसाइटी के किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे क्या है कि जो पंकज कपूर है वो नहीं चाहता था कि मेडिसिन की जो न्यूज है, ठीक है, वो फ्लैश हो. लेकिन एक सेकंड में मतलब ये चीजें पलट जाती है. जैसे ये लव वो बोलती है, उसके जस्ट बाद मतलब एक इंक्लिनेशन आता है, ये पुश है. ठीक है, उसके जस्ट बाद पता पड़ता है कि अरे अखबार में भी न्यूज भी आ गई. उसके जस्ट बाद एंट्री हो जाती है डॉक्टर अजीत जो होता है उसकी वाइफ का. जब न्यूज फ्लैश हुई ना, उसके पहले भी जब वो काम करता है, ठीक है, तो वो सिर्फ आता है कि हाँ है, पर नहीं, मतलब एकदम से उसको दिखाता है कि वो एक्सरसाइज करने लग जाता है. ठीक है, रात को दो बजे एक्सरसाइज कर रहा है, नहाने चले जाता है. ठीक है, और ये बेस्ट सीन है मेरे हिसाब से. यहाँ पर जो चीज हुई ना, वो एक स्टेटमेंट, नेसेसिटी डज नॉट नो एनी लॉ. ठीक है, ये
रियल मीनिंग जो है चीजों का किसी सबको मतलब सुपरफिशियली चीजें पता है, ये फिल्म में ना हर जगह हुआ है, हर सीन में हुआ, ठीक है, जिस सीन में शबाना आजमी और पंकज कपूर आते हैं उस सीन में जो केवल स्टोरी डिपिक्ट नहीं करी, मतलब कुछ और मीनिंग भी बताया गया है, ठीक है, जो कि मेंटल स्टेट को बताता है कैरेक्टर के, ये चीज है। हां हां, ये एक सीन में गाते हुए भी बताया गया। हां वो गाता है कितनी जानी हुई बातें अनजानी रह जाती है, ठीक है, ये बात मतलब छू जाती है आपको कि भाई क्या बात है। और ये जो चीज है ना, गाना बजाना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें आर्टिस्टिक फील दे देती है हर 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 सेकंड में, आपको कभी लगता नहीं, मतलब डॉक्टर तो आपको लग रहा है कि ये है मूवी में, पर आप फील नहीं लेते, आप नहीं सोचते कि मतलब हार्मोनल बातें कर रहा है, बोल रहा है कि मेडिसिन की मैं जांच करूंगा, सीन इस तरीके का है कि आर्टिस्ट है, कुछ क्रिएट कर रहा है। जब ये होता है ना, ठीक है, तो उसकी वाइफ उठ के आती है और वो बोलती कि मौसी जी के वहां पे खाने के लिए बुलाया है, हमको जाना है, ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि उससे कहीं ना कहीं होप दिखती है, फिर वापस आती है, तो वापस वही चीजें रिपीट होती है जो कि केओटिक हो जाती है, कि मुझे नहीं जाना, तो तुम अकेले चले आना, तो हर जगह मैं अकेले क्यों जाऊँ, बोलता है मैं को तुम्हारे साथ क्यों जाना है, बोलती रहती है उसका मोनोलॉग चलता है, फिर उसको रियलाइज होता है मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब मैं अपने आप को क्यों बोल रही हूँ, फिर वो जाती है उसके पास और उसको मतलब सुना देती है, फिर चीज़ें आती है इधर और सब कुछ अब हिल चुका है, ठीक है, न्यूज़ टीवी न्यूज़ में उसका जिक्र हो गया, ठीक है, और तब अपने को एंट्री हुई भाभी की और उनकी बेटी होती है, वो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं, उसके बाद डॉक्टर कुंडू अखबार में पढ़ते हैं, इवन वाइफ को भी अखबार से ही पता पड़ रहा है, वाइफ को भी अखबार से पता पड़ रहा है और पता नहीं चलता अपने को, है ना, मतलब एकदम से हो जाता एकदम से है, ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, सपना तो नहीं है, डॉक्टर के नाम क्या था, डॉक्टर अरिजीत, अरिजीत, तो अब अरिजीत जो है, ठीक है, अरिजीत के बारे में बात करते हैं, अरिजीत वो कैरेक्टर जो कि सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ये कैरेक्टर डेवलप भी किया है, ठीक है, ये कैरेक्टर ओवर टाइम ऑफ द फिल्म डेवलप होता है, ठीक है, पहले क्या सोचता है, पहले उसको रिपेंट होता है, फिर वो आगे चीजें डेवलप करता है, ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लगता, हाँ तू बोल कोई बात नहीं, तू देखना आगे भाई, बाद में वो स्टेप डाउन भी करता है, ठीक है, कैरेक्टर में चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है, फर्स्ट सीन और लास्ट सीन अगर उस कैरेक्टर का देखे तो उस कैरेक्टर में चेंज आता है, वो कैसे होता है, पता है, जैसे जितने भी घर के सीन है ना उसके, वो उसकी वाइफ जो है मिरर होती है एक तरीके से, ठीक है, उसकी वाइफ मिरर होती है और वो दिखाती है कि तुम जो हो तुम मतलब तुम सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन, हाँ, तरीके का काम, और ये पहले भी हो चुका होता है उसके घर में, अपने दीपांकर राय के घर में, दीपांकर राय की वाइफ जो होती है बोलती है इतना छोटा सा घर है ये, हाँ, वो है, और तो वो तुमको अरिजीत के घर में रहना चाहिए था, मतलब अरिजीत डॉक्टर से शादी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि तुमको सब एसी रूम मिल जाता है वो ये वो, ठीक है, अब जैसे हाँ मैं बताता हूँ मैंने अरिजीत के बारे में क्या देखा, ठीक है, डॉक्टर अरिजीत जो है ना वो डिप्लोमेटिक आदमी है, ठीक है, वो अपने घर के अंदर उसके खिलाफ बात करता है, घर के अंदर जितने भी सीन है ना उसके, वो जेलस है, ठीक है, और मतलब ही इज नॉट श्योर और स्केप्टिकल है ना, शक करता है, ठीक है, और बाहर उसको देखो तो बाहर वो मतलब उसके लिए बात करता है, ठीक है, जैसे वो डॉक्टर रामानंद जो होता है जो कि हरामी डॉक्टर जो होता है, ठीक है, वो उसके घर वो उसके ऑफिस में मिलने आता है उसको, तो फिर वो बोलता है कि नहीं यार मतलब ये तो मतलब हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं और ये जो करता है वो करके जो करता है उसको दिखा देता है करके, नहीं अरिजीत तो हाँ, और ऐसा हर बार हुआ है, ठीक है, हर बार उसके घर के अंदर उसको ऐसा ही दिखाया गया कि ठीक है डिप्लोमेटिक तो है उसके अंदर के जवाब और बाहर अंदर का बिहेवियर और बाहर का बिहेवियर चेंज है, ये कैरेक्टर सही नहीं है मेरे को लगता है, देखो मेरे हिसाब से जब भी घर पर रहता है ना तो वो खुद मतलब विद इन दी वॉल्स वाली जो बात होती है ना, आपके मन में कुछ था शायद, वो भी कभी ये पैसे बनाने की मशीन बनना उसको खुद पसंद नहीं है, वो खुद बोलता है कि मैं पैसे बनाने की मशीन बन के रह गया हूँ यार, ठीक है, तो उसको खुद को पसंद नहीं है, जब भी वो घर के अंदर होता है ना उसको बहुत टेंशन रहती है, एक बार वो बैठा हुआ है और शराब का ग्लास है हाथ में और उसके बुलबुले फोड़ रहा है, ठीक है, और पूछा जाता है क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं, ठीक है, हर जगह उसमें जो मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब शायद ऐसे टाइम पे मुझे कुछ करना चाहिए था, शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए, रियलाइजेशन वाली बात है, कभी मतलब रियलाइजेशन है बिल्कुल, रियलाइजेशन तो है, एक टाइम पे वो वहां खड़ा है और बाहर देख रहा है खिड़की के, ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि बाहर वो अपने कैरेक्टर के बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ ठीक है, पर मतलब आप उस बंदे को क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, और है ना एक बार मतलब एक सीन के अंदर थोड़ा सा आगे चले गए अपन, लेकिन एक सीन के अंदर उसको वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपने दोस्त को, ठीक है, और वो कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा होता है कि मतलब वो दिल से नहीं कर रहा,
वो हाँ, होता है कि हाँ चलो तूने कुछ करके तो दिखा दिया हाँ। मतलब कि हाँ चलो किया है ठीक है आपने करके दिखा दिया मतलब छोटे मोटा ठीक है हाँ, कर दिया जब ये चीज होती है मतलब पता पड़ता है कि जो अपना जो कैरेक्टर है ना एक्चुअली दोनों कैरेक्टर दोनों अलग है ठीक है क्योंकि डिप्लोमेसी वो भी करता है ठीक है ह्यूमन टच भी है साथ में आर्टिस्टिक भी है तो फिर मतलब आप वो उसका जो दिमाग है उस तरह से और ये भी है इसका जो दोस्त है ये दोनों बहुत अपोजिट है और ये दोनों कभी फिल्म में मिलते नहीं है सिर्फ एक फोन कॉल होता है आपको बहुत दिखाया गया घनिष्ठ मित्रता है काफी ज्यादा क्लोज लोग है ये लोग ठीक है पर उनको मिलते हुए कभी नहीं दिखाया गया कि भाई मतलब क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है ठीक है एक एक ऐसा है जो अपनी दुनिया में इंडिविजुअलिज्म और मतलब आर्टिस्टिक व्यू की बात करता है और एक कमर्शियल है ठीक है पूरा का पूरा कमर्शियल कैपिटलिस्ट आदमी है ठीक है जो मनी माइंडेड है और प्रोफेसर कुंडू के साथ भी फ्लैशबैक आता है ठीक है जब प्रोफेसर कुंडू पढ़ता है मैं कहना दो जगह आता है एक तो कुंडू के साथ आता है और उसके बाद के साथ में आता है पर मतलब प्रोफेसर कुंडू का जो फ्लैशबैक है वो काफी अजीब है हाँ वो सपोर्टिव लगता है कहीं कहीं हाँ मतलब वो क्यूरियस है मतलब उसको लगता है कि डाउटफुल है ठीक है मतलब शायद उसने वो अचीव कर लिया है और उसके डाउटफुल वो भी कभी डाउटफुल रहा है मतलब शायद इस चीज के बारे में बताने के लिए वो फ्लैशबैक है मेरे हिसाब से ये भी है कि वो फ्लैशबैक ये भी तो डिपिक्ट करता है कि जो डॉक्टर कुंडू वो मतलब एज अ मेंटर की तरह काम करो हाँ कर रहे हैं वो मतलब हाँ जैसे वो बोलता है कि मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ ये वो तो बोलता है परेशान वो मत सोच तू एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंट करता जाएगा कुछ मिलेगा स्टोरी बोलेंगे ऐसा बोलता ना कि आपकी स्टोरी बोलती है तो पता पड़ेगा सही है और फुल स्टॉप वाली बात है फुल स्टॉप है जो साइंस में कोई फुल स्टॉप नहीं होता साइंस में कोई फुल स्टॉप नहीं होता ठीक है उसके बाद रामानंद की एंट्री होती है अच्छा नहीं वहां पर वहीं पर वो एक चीज और बात बोलता है कि जैसे मौत हो गई थी जिस साइंटिस्ट की बात थी ना जिस साइंटिस्ट के वर्क पे बेस्ड था उसका काम ठीक है उसकी मौत हो गई थी नाजी कैंप में जिसका जो इतिहास रहा है ना वो भी काफी दर्दनाक रहा है ठीक है लेप्रोसी खुद एक दर्दनाक बीमारी है और उसका इतिहास भी काफी दर्दनाक है ठीक है तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मतलब इसका बिल्डअप काफी ज्यादा है ठीक है आपको लगता है कि हाँ और अब पहली बार सोसाइटी से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हिट करते हैं ठीक है तो पहली बार किसी थर्ड बंदे से इंटरेक्ट करता है जब हाँ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के साथ वो जब मिलने जाता है वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को तो टू एक्सप्लेन सर्टेन मैटर्स ये मीटिंग सेट करी गई है इसी चीज के लिए और वो भी बहुत लंबा चलता है उसमें काफी मतलब वो उसकी जो भड़ास होती है अंदर की वो निकलती है कि क्या चाहिए क्या मतलब क्यों बनाया गया है ना और एक और चीज है जो कि मतलब ये फिल्म की पूरी थीम और प्लॉटलाइन से रिलेटेड है कि फिल्म में IVF मतलब जो जिस बंदे की लाइफ पे बेस्ड है ना जिस डॉक्टर की लाइफ पे बेस्ड है मुखोपाध्याय ठीक है डॉक्टर मुखोपाध्याय उनका नाम था और उनने IVF जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसके ऊपर उनने रिसर्च किया था और उनके रिसर्च को कभी मान्य नहीं किया गया 8 साल बाद मान्य किया गया है ना 8 महीने बाद सॉरी 8 महीने बाद उसको बोला कि हाँ ये थे ठीक है और इंडिया में जो पहला बेबी था दुर्गा ठीक है 1978 की बात है शायद तब ये पैदा हुआ ठीक है अब और ये एक शॉर्ट स्टोरी एक ये बुक है शायद बुक है शॉर्ट स्टोरी है जो कि रामपदा चौधरी ने लिखी ठीक है हाँ तो चौधरी साहब ने जो लिखा है मतलब चौधरी साहब ने उसके मतलब उस मुखोपाध्याय की लाइफ के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म शॉर्ट स्टोरी लिखी और उस वो शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म ठीक है लेकिन दोनों का टॉपिक अलग है ठीक है लेप्रोसी और लेप्रोसी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज किया गया है बहुत सही ये बात है ठीक है क्योंकि लेप्रोसी का मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा कि यार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो हो गया है अब मतलब लेकिन मुझे फिल्म बनानी है तो मैं किस पे करूं यहाँ पे जो लेप्रोसी का मतलब है वो सोसाइटी से रिलेटेड है डबल मीनिंग है ठीक है कि लेप्रोसी मतलब कि कुष्ठ रोग जो होता है ना मतलब आदमी बंद जाता है ठीक है मतलब आदमी
छूट नहीं पा रहा, ठीक है, ये वैसा ही है, सोसाइटी वाले क्या है कि आपको बांध देते हैं, ठीक है, आप कहीं जा नहीं सकते, सही है, आप खत्म हो गए, यू आर फिनिश्ड, ठीक है, और यही करने की कोशिश की गई है यहाँ पर जब मिलने गया ना, ठीक है, वहाँ एक चीज़ और भी आई, ठीक है, वो मतलब आप हर जगह पे, ठीक है, हर सर्टेन इंस्टेंसेस पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरीके से एकेडमिक्स का काफ़ी ज़्यादा वो बोलता है कि भाई आपने ही तो चाहा था कि भाई ब्यूरोक्रेट की जगह टेक्नोक्रेट लाऊं, ठीक है, ये इनके पास डबल डिग्री है, ये बाहर से पढ़ेंगे तुम्हारी बात को ज़रूर समझेंगे, ठीक है, पर ये भूल जाता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन की भी बात आती है बीच में, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन में कौन किसका, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, ये काफ़ी आपको ड्रॉ करता है अटेंशन कि जिसकी अकेडमिक सोच जो है वो अच्छी है, ज़रूरी नहीं कि वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्वेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ठीक है, और वो उस बात को समझे या ना समझे, ठीक है, और जो आर्टिस्ट है, ठीक है, वो उसके समझाने का तरीका, मतलब यहाँ पर जो डॉक्टर है उनका जो समझाने का तरीका है वो काफ़ी आर्टिस्टिक है, ठीक है, वो डॉक्टर के टर्म्स में समझाते ज़रूर है, पर ठीक है, पर आपको समझना पड़ेगा आपकी इन्वेंशंस को खोल के, ठीक है, पहले आइंस्टीन का जो रिमार्क आया है उस पर भी आइंस्टीन ने भी कहा था, ठीक है, कि भाई इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, ठीक है जो एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है, तो इन्वेंशन और आर्टिस्ट का जो काफ़ी मतलब काफ़ी जो जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है, या इन्वेंशन और आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसको काफ़ी तरीके से aesthetic approach of, काफ़ी तरीके से पॉन्डर किया गया है, ठीक है, यहाँ पे, और बार बार इस चीज़ को, मतलब हर बंदा इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान देता है कि भाई हाँ ये बंदा काफ़ी नॉलेजेबल, मतलब आपकी डिग्री आपके नॉलेज का एक प्रूफ मानी जाती है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है, बार बार जो डिग्री, मतलब इनकी इतनी डिग्री है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, बार बार इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है पूरी फिल्म, थ्रू आउट द फिल्म आपको क्वालिफिकेशन का है, वो एक छोटा सा एमबीबीएस है क्या कर पाएगा, ठीक है, एक मतलब मेरे को दो सीन याद है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है पूरे, है ना, जर्नलिस्ट इरफान खान, ठीक है, इरफान खान का तो पहला इंटरेक्शन होता है डॉक्टर के साथ में, ठीक है, मेन कैरेक्टर के साथ में, तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुमने तो पीएचडी कर रखी है, तुम तो ज्यादा मतलब पढ़े लिखे हो, तुम मेरे से ज्यादा मतलब, उसके दिमाग में ये है, ठीक है, तुम मेरे से ज्यादा मतलब नॉलेजेबल हो, मेरे से ज्यादा कमा सकते हो, तुम सब कुछ मतलब तुम बड़े हो जैसे भी करके मेरे से, ठीक है, और एक और सीन है जिसमें जब वो क्लास लेता है पहली बार, लेक्चर देने जाता है ना, जब वो लेक्चर देने जाता है, मतलब उसके बीच में भी हर्डल आता है लेकिन ठीक है, वो कन्विंस हो जाता है, तो देने जाता है वो, तो उस टाइम ना वही बंदे बैठे होते जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, ठीक है ना, और वो सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने डॉक्टर्स अभी भी डॉक्टर बने हैं, पीएचडी करी है, ठीक है, और जब उसका इंटरेक्शन होता है ना असल में, है ना, जो वो उसको लेके सोचता था इरफान खान को लेके कि भाई तुमने पीएचडी करके तुमको ज्यादा नॉलेज है ना, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब उसका पहला इंटरेक्शन होता है उस लेक्चर में, तब उसे पता पड़ता है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, वो सिचुएशन ऐसी होती है जब वो अपने आप को फंसा हुआ पाता बहुत ज्यादा सोसाइटी के बीच में, क्योंकि वो पहला इंटरेक्शन था जो कि मास से होता है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दोनों सीन कॉन्ट्राडिक्ट है, जो उसका पहला बिलीफ होता है फर्स्ट सीन में, और जब ये जो सीन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ इसमें उसका बिलीफ चेंज हो जाता है पूरा, अमूल्य और सीमा, ठीक है, बार बार वो उसको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि वो खुद भी कहता है कि मुझे इस देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई जाने ना जाने मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर जब उसका इंटरेक्शन होता है ना पहली बार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से, उसके बाद वो घर पे आता है तो बोलता है कि तो अब क्या है कि अमूल्य के जो डायलॉग है ना वो काफी सही है, ठीक है, फिल्म में, ठीक है, और क्या है कि वो बोलता है कि ये लोग बस मतलब जो भी कुछ नया करता है उसमें छुरी चला देते हैं, तो बोलता है कि कितनों पे छुरी चलाएंगे, मुझ पे चला देंगे, 100 डॉक्टर पे चला देंगे, पर साइंस पे तो नहीं चला पाएंगे ना, साइंस तो हमेशा स्टैंड करेगा। अमूल्य के डायलॉग्स मतलब लिखे इस तरीके से गए जो कि कंक्लूजन क्रिएट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक टॉन्ट टॉन्ट है वो सोसाइटी में, और मतलब सीन को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ देखो ये हो रहा है, ठीक है, आपको मतलब एक्सपोजिशन देने के लिए, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो अपना ये सीन होता है लेक्चर का, लेक्चर से जस्ट पहले वो अपना एक बंदा होता है वो उससे पूछता है कि क्यों सर आपने जो कहा है वो सही तो है ना, तो हाँ। फिर वो बोलता है कि देखो डॉक्टर और मरीज का रिश्ता विश्वास का होता है है ना, जो कि सही बात है, जो कि मतलब डॉक्टर और मरीज से लेके आप कहीं भी मतलब आर्ट की जितनी फील्ड है, जैसे पेंटर है, पेंटर और पेंटिंग का रिश्ता भी
विश्वास का ही होता है ठीक है मतलब यार लिटरली भी काफी सारे सेंटेंस या फिर कोट्स यूज किए हैं, जैसे ये एक जो कि मेरा फेवरेट है जो मैंने पहली बार देखी थी फिल्म, वो सो मच टू डू सो लिटिल इज डन, ना वो रिपीट हुआ है। इस बंदे का डॉक्टर मलिक भी होता है डॉक्टर मलिक ठीक है, ये लोग अगेंस्ट में होते हैं पर डॉक्टर मलिक को ऐसे दिखाया नहीं गया कि हाँ भाई ये बंदा डॉक्टर मलिक है ठीक है, पर डॉक्टर रामानंद को बार बार दिखाया रामानंद हाँ क्योंकि रामानंद क्योंकि जैसे अगर जैसे कोई फिल्म है ना तो उसके अंदर आपको एक चेहरा चाहिए होता है जो कि वो पूरे जिसको आप हेट करो ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी गालियां निकालो क्योंकि वो बंदा है वहां पे वो इसी के लिए, तो रामानंद को उन्होंने रखा है फिर उसको उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि एक सीन होता है जो कि हेल्थ ऑफ मतलब जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ होता है ठीक है, उसके डायरेक्टर के साथ होता है ना, और उस सीन के बाद में उसका ट्रांसफर गांव में कर दिया जाता है ताकि वो अपने रिसर्च पेपर कंप्लीट ना कर पाए, और यहाँ पे वही मेंशन करना भूल गए अपन कि वो जॉन एंडरसन फाउंड मतलब कि होप दिखाने के लिए वो जो अपना डॉक्टर कुंडू जो जॉन एंडरसन फाउंडेशन को भेजते हैं पेपर, वो लोग वो ये भी करते हैं कि भाई मेरा बॉडी अगर चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तो ले लो ठीक है, और ये चीज उसको रुला देती है डॉक्टर दीवान कर को मतलब आ ही जाते हैं अमूल्य और डॉक्टर कुंडू जब घर पे आते हैं, जब न्यूज पहली बार अखबार में आती है ठीक है और टीवी पे फ्लैश होती है तो उस वक्त घर पे आते तो वो पूछते कि मतलब आज तो काफी फोन आए होंगे तुम्हारे पास ठीक है, बोले कि नहीं बस केवल डॉक्टर अरिजीत का फोन आया ठीक है, तो अब क्या है कि वो लैब में जाते हैं उसके और वो डिस्कस करते हैं ठीक है, तो डॉक्टर कुंडू पूछते कि थोड़ा ब्रीफ करो मुझे तुम्हारे मतलब इस चीज के बारे में ठीक है तुमने कैसे किया है, तो ब्रीफ करता है तो क्या है कि उस टाइम पे वो अपने नोट्स निकाल के देता है ठीक है, और डॉक्टर कुंडू उसके नोट्स कॉपी करता है ना, और वो बोलते हैं कि तुम रिलैक्स करो जब तक मुझे टाइम लगेगा कॉपी, और वो कॉपी करके डाल देता है जॉन एंडरसन फाउंडेशन को भेज देता है ठीक है। उसके बाद फिर जो लेक्चर का सीन होता है उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है डॉक्टर भी काम कर रहा है वो है ना, और तब उस टाइम वापस अमूल्य का डायलॉग माइनर हार्ट अटैक होता है, उसके बाद वापस अमूल्य का वो गाड़ी चल रही है कि खुद तो कुछ बना नहीं सकते ये लोग और मतलब दूसरे बनाते हैं तो मतलब तोड़ने पे लग जाते हैं ठीक है, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, उसका ट्रांसफर गाँव में कर दिया जाता है क्योंकि जिस वजह से वो क्या अपने जो पेपर है वो तैयार नहीं कर पाता अपनी रिसर्च पे क्योंकि वो पेपर उसको वहाँ भेजने होते हैं एंडरसन फाउंडेशन में 3 महीने में, मतलब उसको उसका पेपर तो रेडी करने ही होते हैं, पेपर तो रेडी करने ही होते हैं वैसे भी प्रूफ देने के लिए गवर्नमेंट को ठीक है। उसके बाद इरफान खान एक लेटर लिखता है, एक आर्टिकल लिखता है जो कि पब्लिश नहीं होता, वो सीन इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब कमर्शियलाइजेशन जो चीज होती है ना मतलब ये चीज अभी भी स्टैंड करती है अखबार में क्या चलता है वैज्ञानिक से, अब जो है मीडिया काफी बुरा हो चुका है उस टाइम के करते तो है ना, और ये 1991 की बात है और क्या है कि उस टाइम पे ऐसा उन्होंने सोच के लिखा ये सीन जो कि सोसाइटी को जो कि न्यूज एजेंसीज को क्योंकि वो जो उसका जो हेड होता है बोलता है कि मैं मतलब कोई पढ़ता नहीं है ठीक है, और अखबार जो है वो ऐड से चलता है वैज्ञानिक से नहीं विज्ञापन से विज्ञापन से चलता है तो पर मैं नहीं चलता वो बोल के वहाँ से चला जाता है, नहीं बोलता है लेकिन मैं चलता हूँ मैं चलता हूँ और अब जो सीन्स आते हैं उसमें दीपांकर रॉय जा चुका है, अब जो है अब पहली बार जैसे फिल्म में मतलब अब क्या है कि फिल्म एंड होने वाली है ठीक है, लास्ट का आधा घंटा ही बचा है मेरे ख्याल से ठीक है, अब क्या है कि अपना जो हीरो है ना उसको डाउट हो जाता है ठीक है, उसकी लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिविटी और डाउट जो है वो भर जाता है कहीं कहीं हाँ। मतलब उसको ट्रांसफर शायद मतलब आप देखोगे ना तो उसके कैरेक्टर से ही ट्रांसफर है हल्का सा ठीक है, आप देखोगे कि चीजें खुद चेंज कर रहे हैं और ठीक है ब्रेक भी हो रही है, और ये चीज ये भी बताती है कि ये फिल्म सिर्फ उस बंदे की नहीं है
ये फिल्म है शादीशुदा लोगों की, ठीक है, क्योंकि वो दूर चला गया है। उसके बाद क्या है कि एक और उस टाइम पे अपने को फीलिंग आती है कि यार कि क्यों, मतलब जो जो लास्ट फेज है ना, ठीक है, फिल्म का, ठीक है, मतलब क्या है कि जब उसको गांव में ट्रांसफर कर देते, तो मेरे को ही लगता है कि कोई भी सीन में घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जब तक उसकी वाइफ नहीं आती, तब तक जो घर होता है ना छोटा, खाली है ना भाई, घर खाली है ना, खाली है। वो बोलता है, एक बंदा आता है जो बोलता है कि यहाँ पे जो डाकू बहुत, और वो सीन बाहर से लिया है, विंडो 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 जो है, विंडो में वो बंदा दिख रहा है, और विंडो विंडो की जो बाहर से ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टी की बंदा जो है कैद में, मतलब ये जो जो विजुअली जो दिखाया गया है ना, वो भी डिफिकल्ट है, ठीक है ना। और फिर क्या है कि जो लास्ट का फेज है, जब वो गांव में होता है तो वो समुद्र के किनारे टहल रहा होता है, इस चीज दिखाई गई, वो है बेस्ट सीन, वो बेस्ट चीज है, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो फिल्म में, मेरे को तो डायलॉग उस टाइम पे जो बोलता है ना, वो मतलब पूरा एक जो स्पीयर होता है ना, जिसके अंदर सब, जैसे जो भी ये जो काम करते हैं वो रहते हैं, उनका जो दिल जो कहता है ना, ये वो बताता है। जैसे वो जैसे जो डायलॉग है, डायलॉग क्या है कि मैं जब भी आसमान को देखता हूँ तो तारे बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम साला, इतना छोटी सी तुम्हारा, छोटी सी दुनिया है तुम्हारी, और उसमें भी तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, हमारी तरफ देखो कैसे हम लोग रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करो, कुछ करो, मतलब जानो हमारे बारे में, जानो, ठीक है, हम लोग हैं, समंदर की हर लहर टकरा के कहती है, एक बात ये भी वही कहता है, ठीक है, सेम चीज को बार बार, मतलब वो बताना चाह रहा है कि मतलब, अरे जैसे ये वही है कि यार कि मतलब जैसे वो बोल रहा है, ठीक है, तेरे से कनेक्ट करेगी कि नहीं करेगी वो उस पर डिपेंड करता है कि तू क्या सोचता है चीजों को लेके, ठीक है, मतलब कि कोई ड्राइव होता है लोगों में, है ना, कि मतलब कि कुछ करना है, ठीक है, तो वो चीजों को अलग तरीके से देखने लग जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो अब मतलब उसको ऐसा लगता है, ठीक है, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स वो है कि यार कि वो बोलता है, वो ये बोलता है कि मैं इनके जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, वो ये लोग ये ले रहे हैं, मैं इनके जवाब दे सकता हूँ, और मैं इसके जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, और ऐसा हर एक फील्ड में ऐसा होता है, जो राइटर है मान ले, कोई फिल्म मेकर है या कोई आर्टिस्ट है, पेंटर है, ठीक है, सबको मतलब ये ड्राइविंग फोर्स बताई गई है उसको। तू क्या बोल रहा है, जब वो घर में था, जब वो कैदी था, तो अपने दिमाग के अंदर ही उसकी दुनिया थी, ठीक है, अब क्या है कि उसके दिमाग के अंदर की दुनिया है ना, वो मतलब ऐसे श्रिंक हो गई, क्योंकि क्या है कि उसका ट्रांसफर विलेज में कर दिया, ठीक है, वो बोलता है कि मैं अब पेपर तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ टाइपराइटर की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों की भी जरूरत है, मुझे उन सब लोगों की जरूरत, उनसे बात कर सकते, बिल्कुल, ठीक है, मतलब हाँ, उसकी वाइफ जो है वो मेन है, मतलब क्योंकि वो बोलता है, मतलब पहले वो दुखी होता है कि उसकी वाइफ तो साथ में नहीं जा रही है, ठीक है, और मतलब उसकी वाइफ मेन है यार, क्योंकि मतलब हमेशा साथ में रहा है और वो नहीं कर पाएगा तैयारी, अपने को ही पता है उन दोनों के बीच की, वो खुद भी इस चीज को समझ रहा है कि शायद उसने, मतलब आप ह्यूमन टच की जब बात करते हैं ना, आप यहाँ ह्यूमन टच भी है, ठीक है, वो एकलौती बात, मतलब इसके जस्ट बाद में वो रात का सीन आता है, जब वो बोलती है कि अभी मत जाओ, एक ही दिन के लिए तो आई हूँ, मेरे पास ही ले लो, ठीक है, रुक जाता है, वो रेस्टलेसनेस की फील आती है कि यार कितना काम कर रहा है भाई अभी, तो मतलब आपको लग रहा है कि नहीं रुकेगा, और वो कभी रुका नहीं है, ठीक है, अभी उसने बात मानी नहीं है, पर यहाँ बात मानी है, ठीक है, जब वो बात कर रहा है शबाना आजमी से, तो वो मुंह फेर के बात करता है, बोलता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मतलब इतना पास है फिर भी, वो पीछे है। वो पीछे पास में बैठी है, आप उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी आंखों में आके डाल के बोलेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर उसको मालूम है कि शायद उसने वो चीज सही नहीं की है, ठीक है, उसके बाद एमिली बर्नार्ड आती है, हाँ, एमिली बर्नार्ड, एमिली बर्नार्ड वापस वो रे उसके पहले एक मैसेज, एक लेटर भी आया होता है, जो कि बंद कर दिया गया होता है, फाइलों में दबके रह गया, ठीक है, फाइलों में दबके, मतलब हर एक चीज जो सरकार के पास जाती है, हाँ, वो दबके रह जाती है, ठीक है, मतलब उसके जस्ट बाद, मतलब अगर ये, मतलब वो जो लेटर की बात करें ना, तो वो उस लेटर के जस्ट बाद ही चीजें शुरू हुई है, मतलब वो गया, उसका जो ट्रांसफर है ना, वो उस लेटर के जस्ट बाद ही दिखाते हैं, ठीक है, तो हालांकि मतलब अपने को लग रहा है कि हीरो को नहीं पता है, तो फिर भी शायद उसके दिमाग में ऐसा कुछ है कि भाई हाँ, मतलब कुछ होना चाहिए था पर हुआ नहीं, मतलब आपको भी बुरा लग रहा है, ठीक है, कि भाई ये चीज दबके रह गई, ठीक है, फाइलों में, और जो कैरेक्टर है अब वो भी बुरा फील कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ऑडियंस और जो फिल्म है ना, उसको सेम पेस पर लाने की एक बार कोशिश की गई यहाँ पर, ठीक है, कि हाँ भाई अब कैरेक्टर के साथ चलेंगे ऑडियंस, कि हाँ भाई मतलब दोनों को दुख है कि भाई फाइल वहाँ पे वो बंद होकर रह गया लेटर, ठीक है, और यहाँ पर ये बंदा इस चीज़ से दुखी है कि मैं यहाँ बंद होकर रह गया, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, और ये चीजें साथ में चल रही है, मतलब वो लेटर जो है ना, वो होप है, हाँ,
उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है सीमा, वो अरिजीत से मिलने जाती है और वो बोलती है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है और इसको अगर आप मतलब कोशिश करो कि वापस आ जाए क्योंकि वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाए हैं। हाँ, चाहे मतलब टैलेंटेड बंदा, इतने टैलेंटेड बंदे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये वो बोलती है कि भाई सही बात है। हाँ, और मतलब यहाँ पर वापस आ जाता है। हाँ, हर सीन में स्ट्रगल है, हर सीन ठीक है। एंड में तो एंड मतलब एंड तो बहुत ही सही है। नहीं पर वापस जब आ रहा है, जब ओरिजी जाता है उस रामानंद के हेल्थ डायरेक्टर के पास, तब वो बोलता है कि तुम उसको बुला लो वरना तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन क्या सोच रहे हैं कि वो कुछ सोसाइटल के बारे में कुछ कहेगा, वो बोलेगा कि भाई ठीक है, मतलब क्या उसने उसकी फाइंडिंग्स आ गई, अपन ऐसा सोच रहे हैं। पर वो क्या बोलता है, किसी नेता से कंप्लेन की कोई, मतलब सब सोसाइटी, मतलब सोसाइटल इंपैक्ट कितना ज्यादा है। उसके इन्वेंशन की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, इवन उसने अचीव किया है, फिर भी उस अचीवमेंट को निग्लेक्ट करते हुए आप सीधे आगे चले जा रहे हो कि हाँ भाई क्या उसने नेता को बोल दिया, क्या किसी ओपोजिशन लीडर के पास चला गया, मतलब हुआ क्या है, सोसाइटल कोई इम्पैक्ट है क्या? नहीं, सोसाइटल इम्पैक्ट नहीं है। वो बोलता है कि इन्वेंटरी इम्पैक्ट है उसका। ठीक है, मतलब टैलेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैलेंट किस तरीके से चीख जाता है सोसाइटी के इस दबाव में भी, वो बात आती है। ठीक है, और उसको उसका ट्रांसफर करना पड़ता है। यहाँ एक जीत, ठीक है, हल्की सी विन, जब सोचते हो कि हाँ तो अब अच्छा लग रहा है कि हाँ एक विन तो है, विन विन सिचुएशन, अब वापस अपना मेन कैरेक्टर बन गया। अब वापस बहुत दुख होता है जब अब हेल डायरेक्टर ऑफ हेल से वापस मिलता है दीपांकर रॉय, और दीपांकर रॉय बोलता है कि मुझे बुलाया गया है। तो वो बोलता है कि नहीं भाई, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको मतलब लेटर ये तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो आप रेजिग्नेशन दे दो और फिर आप जा सकते हो। तो बोलता है कि ये जॉब ही है मेरे पास, मतलब हेल्पलेसनेस। यहाँ पर इन्वेंशंस के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया है। ठीक है, वो बोलता है कि मैंने कर्जा लिया है इस इन्वेंशन के लिए और अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो चीज उसका एडवांटेज है ना, वो एडवांटेज ले रहे उस चीज का, बिल्कुल, कि तुम छोड़ दो। हाँ, और यहाँ उसे परसुएट भी किया जाता है कि भाई चलो एक काम करो, तुम ऐसा बोल दो कि तुम्हारे पेपर्स रेडी नहीं। ठीक है, और वो मान जाता है कि हाँ पेपर्स रेडी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर्स रेडी नहीं, यहाँ पे नेगेटिविटी वापस से, यहाँ यहाँ वो मान लेता है, अपने को लगता है यार फिर ये जहाँ से मर गया, फिर एक इंक्वायरी कमेटी और स्टोरी को पुश करता है कैमरा भी, सही है। ठीक है, और वो चीज है इसमें, इसमें जो जजेस है ना वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप जो जजेस देखते हो ना, आपको मतलब हंसी छूट जाएगी एक बार के लिए कि मतलब जज कौन है, उस बंदे को जज कौन कर रहा है। वो पहले ही बोल रहा है कि उसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, जो मैटर वो है ना, एक आदमी बात नहीं कर सकता, वो ऐसा बोल रहा है। और अपन सोचते हैं कि फिजिशियन रखा होगा, मतलब लेप्रोसी में कोई तो होगा हमारे, और ये एग्जैक्टली देश की स्थिति रही, स्थिति है। ठीक है, क्योंकि अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स नहीं खेलता, अब तो खेलता है राजवर्धन सिंह राठौर, लेकिन अब तक की हिस्ट्री में कोई कोई सही है। जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है चेयरमैन रामानंद। ठीक है, आप ये देखो कि किसी ने कुछ खोज किए ना तो लोग एक्सपर्ट किस पे बिठा रहे हैं। उसने खुद ने बोला पॉसिबिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी हमेशा एक पॉसिबिलिटी की तरह है। ठीक है, और उसके ऊपर ही लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। क्यों, गायनेकोलॉजिस्ट आ जाते हैं बीच में। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट उसके उसके लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, वो तो आ ही रहे हैं, पर आप किस चीज़ पर, आप उसकी गलतियों पर फोकस कर रहे हो। उसने कुछ इन्वेंशन किया, आप उसको रादर आपको उसको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको आपको कहना चाहिए कि हाँ उसने कुछ अच्छा किया है। पर ऑन दी कॉन्ट्ररी होता क्या है, उसकी छोटी सी गलती पे आप फोकस कर लो। ठीक है, कि हाँ भाई उसने बस इतना बोला है कि एक पॉसिबिलिटी है। आप पॉसिबिलिटी मतलब शुरुआत में जो होता है कि बंदा बोलता है कि यार कि ऐसा हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप उसको सब्जेक्ट लेके आप कहाँ तक ले जाओ कि यार ये बंदा है ना जेलसी हेट पॉलिसी की, मतलब गवर्नमेंट की जो भी बैड पॉलिसीज मेकिंग जो है ना, सब चीज रिफ्लेक्ट हो जाए। सही, वो ठीक है, सिर्फ एक गलती, मतलब वो गलती भी नहीं है, वो सिर्फ मतलब
एक ऑब्जर्वेशन है exactly. लेकिन आप उसको कहां तक ले जाओ कि बंदा मतलब सोसाइटी के उस वहां तक आता है. और यहां आता है मतलब डायलॉग, सबसे सही डायलॉग, मतलब आप लोग लेप्रेसी से मतलब ग्रसित हैं, बाहर से ग्रसते हैं, अंदर से लेप्रेसी से पीड़ित हैं आप लोग, ठीक है. तो ये सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट सीधा स्लैम, मतलब स्लैम करके रख दिया, बिल्कुल तोड़ के रख दिया सारे के सारे जो आपके प्रिटेंस, मतलब आपने जो सोच रखा है, ठीक है, आपके प्रेजेंस सारे खत्म हो जाते हैं वहीं के वहीं. उस सीन के लास्ट में होप खत्म हो जाती है, होप सरेंडर के भाई, आई सरेंडर, खुद कहता है सरेंडर. अब जब नेक्स्ट सीन पे आप जाते हो, ठीक है, ठीक, अब जो है अब सीन है, अब मतलब अब मेरे को फिल्म अच्छी नहीं लगती. फिर मैं ये देखता हूँ कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा. हाँ. शायद क्योंकि हम फिल्म की एंडिंग हमेशा अच्छी चाहते हैं हम, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है. अब जैसे अब क्या होता है, क्या होता है ना, तो अब जिस कॉज के लिए उसने चालू किया था अपना रिसर्च 10 साल से जिसके लिए कर रहा था, वो खत्म, सरेंडर कर दिया, ठीक है. और उसके ऊपर जैसे जैसे क्या होता है कि मान ले कोई भी फिल्म है, ठीक है, अब फिल्म में जो हीरो है ना, ठीक है, उसको एक ग्लो मिलना चाहिए, ठीक है, एंड के जस्ट पहले ना, सेकंड एक्ट के एंड में या थर्ड एक्ट के अंदर, ठीक है, थर्ड एक्ट के एंड या थर्ड एक्ट में उसको एक ग्लो मिलना चाहिए जो कि सब कुछ हिला के रख दे, जिससे कि वो जो कैरेक्टर है वो बहुत दूर चला जाए अपने मंजिल से, ठीक है ना. हाँ सही है, ठीक है. और ये सरेंडर वो ग्लो है, सही है, है ना. हाँ. तो अब जो होता है ना वो एक डबल ग्लो है, जो पता लगता है कि एक बंदे ने ऑलरेडी इन्वेंट कर दिया वहां पे, ठीक है, जबकि उससे पहले अपन ने कर दिया था. और उसका प्रोसेस एग्जैक्ट है, वो इरफान पढ़ना शुरू करता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके लास्ट में शायद दीपांगर का नाम आएगा, ठीक है, ठीक है. मतलब अरे यार नाम, पर वो उसमें लिखा रहता है हिंदुस्तान से भी अर्जी आई थी, लेकिन पर पेपर्स रेडी नहीं होने के कारण कुछ हो नहीं पाया, ठीक है. और वहां के फिजिशियन भी एकमत नहीं थे, ठीक है, एकमत नहीं थे, ये लिखा होता है. ये बात भी काफी मतलब सोसाइटी और उस बंदे की नाकामयाबी भी मतलब साथ में जोड़ दी, नहीं यहाँ पे ये कंक्लूजन दे दिया ना कि अगर इंडियन साइंटिस्ट अगर इंडिया में इन्वेंशन नहीं हुए तो उसका एक कारण ये है, इंडियन से उसका एक कारण सोसाइटी है, ठीक है, उसका एक कारण गवर्नमेंट है, ठीक है, है ना, ठीक है. अब तो सो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, बिल्कुल एकदम मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ब्लो होता है, ठीक है, और वो ब्लो काफी है तो डबल ब्लो देने की जरूरत नहीं है. अगर आप डबल ब्लो दे रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वापस आएगा, लेकिन जस्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना स्टोरी, ठीक है. और जस्टिफिकेशन यही होता कि वहां पे स्टोरी खत्म कर देते या फिर सुसाइड कर लेते, ठीक है, सुसाइड जस्टिफिकेशन होता, मेरे को ये सुसाइड जस्टिफिकेशन होता है ना, क्योंकि ये फिर टाइटल को भी जस्टिफाई करते था. टाइटल चल टाइटल ठीक है, लेकिन अब जब आप स्टोरी यहां तक ले आ रहे यार, तो आप ये जो लास्ट का सीन है ना, ये सिर्फ ठीक है ये, अरे हां मतलब आप मतलब देखो वो रिपोर्ट में लास्ट चीज क्या लिखी हुई थी कि रशियन साइंटिस्ट के साथ में ना, रशियन साइंटिस्ट के साथ में रिसर्च करने के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, ठीक है, है ना. एमिली मंडार तो ये क्या है कि ये ना जैसे क्या है कि अगर अपन ये लाइन हटा दे, ठीक है, अब मान लो वो प्लेन उड़ता हुआ नहीं दिखा, ठीक है, तो सोचना स्टोरी कैसे होगी, तो स्टोरी काफी वैसे होगी, अरे यार ये क्या था, ये क्या है, मतलब ये है क्या. नहीं तो इसके बाद भी तो एक सीन है जब वो अपने सारे ग्राउंड में इसको मार देता है. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये हाँ बोल, तो इस सीन के बारे में क्या बोल, ठीक है. हाँ अब ग्राउंड में इसको मार दिया, ठीक है, उसने क्या बोला कि भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं था, ठीक है, मुझे इन्हें मारना पड़ा, ये लोग लेप्रोसी से पीड़ित थे, ठीक है. हाँ. ये लोग मतलब ये लोग काफी दुख सहन कर रहे थे, ठीक है. अब ये दुख लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी से ये मर गया, ठीक है, लेप्रोसी से सोसाइटल लेप्रोसी से उसकी होप मरी है, ठीक है, उसका इन्वेंशन मरा है, ठीक है, खत्म हुआ है, जो उसको क्रेडिट मिल सकता था. पर आपने पूरी फिल्म में क्या देखा, आपने ये देखा है कि उसको क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है. आप पूरी फिल्म में ये देख रहे हो, हर बार ये कहता है आई डू नॉट डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, आई डू दिस फॉर साइंस, आई डू दिस फॉर ह्यूमन. एक जगह ये कहा जाता है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं मिस्टर दीपांकर राय, ये कहकर, ठीक है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं. तो वो कहता है नहीं, मैं अपना नुकसान नहीं, मैं इंसान का नुकसान कर रहा हूँ. तो वो काफी होलिस्टिक है,
कि भाई उसको ह्यूमन के लिए काम करना है, उसको ये फर्क पड़ता ही नहीं कि उसके काम को उसके द्वारा उसी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाए ना किया जाए, उसके उसको बस ये है कि लेप्रसी जैसी एक बीमारी इस अच्छा इस फेस से इरेडिकेट, मतलब फेस ऑफ कोर्स से इरेडिकेट हो जाए। हाँ, ठीक है, ये तो बार बार दिखा, हाँ ये बार बार दिखा, एक बार शुरुआत में वो बोलता है ना आई एम अ सेल्फिश मैन, हाँ उसका क्या वो अपने काम को लेके सेल्फिश है यार, उसने क्या एंड का स्टेटमेंट किया। ठीक है, तो तुझे लगता है एंड जस्टिफाइड? एंड जस्टिफाइड बिल्कुल, क्योंकि पूरा फिल्म लगता है, मेरे को भी लगता है भाई, क्योंकि पूरी फिल्म इसी तरीके से चली है, सिर्फ आखिरी के दो ब्लो जो है ना वो सोसाइटी के इम्पैक्ट को दिखाने के लिए, और ये हर बार हुआ है। ठीक है, कॉपरनिकस ने जब बोला था ना कि पृथ्वी घूमती है सूरज की ओर, तो उसको लटका दिया गया था। ठीक है, ये हर बार हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, आपको करना भी नहीं चाहिए। हाँ, सोसाइटी तो करेगी, जैसे अरे दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जाए, ठीक है, लोग आएंगे कि अरे क्या है कुछ भी है ना, लेकिन बात ये नहीं है यार, बात ये है कि जब आपने पूरी फिल्म में दिखाया कि वो कॉज के लिए लड़ रहा है, ठीक है, मतलब ये तो वो बात हो गई कि अरे भाई मतलब मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ठीक है, ये बात ये नहीं है यार, मेहनत खाली जाती है, बहुत नेगेटिव हो जाता भाई। हाँ, अबे तो तू दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, तुझे सोसाइटी पे कमेंट मारना है। ठीक है, और इसी सोसाइटी इसी जब भी किसी साइंटिस्ट को मौका नहीं मिला है ना, ये बंदा काफी ज्यादा मतलब अपना काम करना चाहता है। ठीक है, जब भी वो आया है उसका नाम, तब तब अरे हाँ भाई कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और मतलब ये भी समझ सकते हैं कि उसका बाहर जाना जो है वो मतलब छूट गया लेप्रोसी जो है उससे छूट गया। ठीक है, हाँ। और ये चीज डायरेक्टली डिफर करती है उसके ब्राउन माइस मारने से। हाँ, वो ब्राउन माइस वाला सीन है ना, जब वो ब्राउन माइस को मार दिया, मतलब होप खत्म है। ठीक है, ब्राउन माइस को मार दिया, मतलब अब हो गया, सब खत्म हो गया भाई। ठीक है, जस्टिफिकेशन 3-4 आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अरे यार जब क्या है कि रियलिस्टिक नहीं, लेकिन क्या है कि लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो एंडिंग दिखाओगे वो ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। ऑफ कोर्स बात वही आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस को आपको प्लीज करना है। हाँ, मेरे हिसाब से इसीलिए ये जो प्लीज वाला जो चीज है ना, इसी वजह से एंडिंग वैसा रहा है कि हाँ भाई प्लेन जा रहा है, बहुत खत्म हो सकता है। ठीक है, तो खत्म कर दें। कितना तू रेट करना चाहेगा? मेरे हिसाब से 8, मैं 8 दूंगा। 8 मेरे हिसाब से 9, मुझे पता है विजुअली मस्त है। मैं इसको 7 दूंगा, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं यार मतलब क्योस दिखता है फिल्म में। चलो खत्म करते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू गाइस।